अगली खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां शताब्दी वर्ष महोत्सव का दूसरा दिन। जी हां, खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शताब्दी वर्ष महोत्सव के दूसरे दिन, जिसमें कुछ अलग ही खबर आया, जहां पे हस्तशिल्प और पुष्प मेला का उद्घाटन कुलदीप प्रोफेसर टीएन सिंह जी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने ऑनलाइन उद्बोधन किए। भारत माता मंदिर में हस्तशिल्प भी छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखें अमित कुमार सोनी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमित कुमार सोनी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है, जहाँ एक संस्था भारत माता मंदिर, जहाँ पे छात्र और छात्राओं के द्वारा कुछ हैंडीक्राफ्ट या फिर उनके हाथों के द्वारा बनाया हुआ चीजें हैं, उनको सबको दिखाया गया है। आइए हम देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि हर चीज का मतलब क्या है। आपको किस संस्था से जुड़ी है? मतलब विद्यापीठ। अच्छा, आप लोग विद्यापीठ यानी इसमें कॉलेज से गंगापुर वाले ब्रांच है, ठीक है मैम। ये सब मेरी मैं देखना मतलब देख रहा हूँ क्या एक स्टूडेंट द्वारा यूज किया गया है। सभी चीजें लगभग। अच्छा, मतलब हमें लगता है कि इस कार्यक्रम के लिए, मेला के लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके मेहनत आप लोग 100% किया है इसमें। आप ठीक है मैम। आपको हम बता सकते हैं ये जो आपने किया है इसका क्या मतलब है और क्या डिनोट करना चाहते हैं? बेसिकली एक शोपीस आइटम है ये, और इसको बनाने के लिए हमने बांस लगे थे और सभी चीज़ें हाथ से बनाई है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हाथ की चीज़ें काट के बनाई गई है, और सिर्फ एक शोपीस है कुछ रियल हाथ का बनाई है। तो यहाँ पे जो आप लोग का स्टॉल लगा है क्या सेलिंग पर्पज से है या फिर बस? हाँ, सेलिंग पर्पज के लिए। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।